Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. भैया वो देखिए, वो दुष्ट असुर माँ की पूजा को भंग करने के प्रयास में लग चुका है। भैया शेष असुर भी मात्र हमें छलने ही आए हैं, इसलिए हमें इनका पीछा कर समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अभी तो उस दुष्ट को माँ के पास पहुँचने से रोकना चाहिए हमें। देवराज इंद्र, आप अन्य देवताओं के साथ मिलकर इन असुरों को इसी क्षेत्र में रोक कर रखिए। तब तक हम जाकर उस असुर को रोकते हैं जो माँ तक पहुँचने का प्रयास कर रहा है। पर कैसे उत्पन्न हो रहा है? ये थी दुष्ट दुर्गमासुर की योजना, हमें विंध्याचल पर्वत से दूर लाकर अपने इन योद्धाओं और अपनी सेना से चारों ओर से हमें घेर कर हमें उलझा कर रख दिया है उसने, जिससे उसका वो अन्य असुर माँ के पूजा स्थल तक पहुंचने में सफल हो जाए। अब तो उलझ गए तुम मेरे जाल में, इसलिए कुछ भी करने में असमर्थ हो तुम देवता, क्योंकि मेरी आसुरी सेना तुम्हें देवी आदि शक्ति से बहुत दूर ले आई है। देवताओं, जहाँ से मेरे चार असुर महारथी, तुम्हें कहीं और नहीं जाने देंगे। और उधर गणासुर देवी आदि शक्ति की पूजा को पूर्ण नहीं होने देगा, बस वो एक बार देवी आदि शक्ति को मेरे समक्ष ले आए तो स्वयं आज ये युद्ध प्रथम दिवस ही निपट जाएगा। असुर के कपट जाल ने तो एक महासंकट में डाल दिया है हमें भैया, अब क्या होगा, क्या करें हम? मेरी योजना सफलता की ओर बढ़ रही है। प्रणाम असुर सम्राट। सम्राट, जो कार्य आपने हमें सौंपा था हमने वो पूर्ण किया। हाँ असुर सम्राट, ये देवता तो हमारे जाल में उलझ ही गए हैं। अभेद जिसका तन वो गैंडे के समान, आगे से मेरा भेदी असुर आक्रमण कर रहा है उन पर, और उनकी भाई ओर से उन पर संकट बनकर छाया है अष्टभुज विशल बुद्धि, जिसकी बुझाओं और जिसके छल से कोई सुरक्षित नहीं, और दाहिनी ओर से अपने दोनों मुखों से विषैले द्रव्य का प्रवाह करता दुमुखा सुर है, और उन सबसे अधिक घातक है विभक्ता सुर, जो किसी को भी विभक्त कर सकता है। और उधर गणासुर अति शीघ्र देवी आदि शक्ति के निकट होगा, हम करेगा उसकी पूजा और पूर्ण करेगा मेरी योजना। कुमार कार्तिकेय, हम इन असुरों से निपटते हैं, आप जाकर उस असुर को माता की ओर बढ़ने से रोकिए। नहीं देवराज, देव सेनापति होने के नाते इस युद्ध में देव सेना का नेतृत्व करना मेरा कर्तव्य है।
इसीलिए गणेश, उस असुर को माँ के पूजा स्थल तक पहुंचने से रोकने का कार्य तो तुम्हारा होगा। इंद्रदेव, मेरे कुचक्री व्यू को नहीं भेज सकोगे तुम, रोक नहीं सकोगे तुम गणासुर को, अवश्य पहुंचेगा वो उस देवी तक। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षयमामृता। प्रथम पूज्य गणेश जी, इस दुष्ट असुर को मैं अभी आपके मार्ग से हटाता हूं। महान अपराजय, और आसुरी शक्तियों का परिचय दिया है इस अभेदी ने। देवराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ आपकी सहायता के लिए। सहायता करोगे तुम इंद्रदेव की, किंतु मुझसे तुम्हारी रक्षा करने में तुम्हारी सहायता कौन करेगा? मुझे शीघ्रता करनी होगी, तीव्र गति से वहाँ पहुँचना होगा, जिससे कि वो माँ के निकट पहुँच भी ना सके। इतनी भी क्या शीघ्रता है गजमुख, आगे बढ़ने के पूर्व मेरा सामना तो कर लो। सावधान रहो गणेश। उससे भेंट करने के स्थान पर तुम वहाँ कहाँ बढ़े जा रहे हो? इस असुर का उपाय मैं करता हूँ देव सेनापति। उपाय तो मैं करूँगा तुम्हारा। ये कैसा विषैला द्रव्य है जिसने मेरे खड़क को ही नष्ट कर दिया। मेरी भुजाओं से बचकर कहां जाओगे देवताओं? ये तो अत्यंत विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। बहुत सोच विचार कर योजना बनाई है दुष्ट दुर्गमासुर ने, जिससे हम में से कोई माँ की ओर बढ़ते हुए उस असुर को रोक ना सके। इसलिए उसने अभी अपने महायोद्धा को युद्ध करने के लिए भेजा है। मेरा प्रथम वार ही है सर्वोत्तम प्रहार। यहाँ मेरे शक्तिशाली और समर्थ असुर महायोद्धा
उन देवताओं को चारों ओर से बांध कर रखेंगे और उधर गणा सर देवी आदि शक्ति का हरण करेगा, अर्थात सब उचित है, मेरी विजय निश्चित है। अब निकट है मेरा गंतव्य स्थान, कर लो अब जितनी प्रार्थना करनी है देवी आदि शक्ति। गणासुर के आगमन होने के उपरांत किसी प्रार्थना का स्मरण नहीं कर पाओगी तुम। अद्भुत प्रभाव है देवी आदि शक्ति द्वारा महादेव के जलाभिषेक का। जैसे जैसे देवी आदि शक्ति की पूजा पूर्ण होने के निकट पहुंचेगी, वैसे वैसे यह मेघ और भी घने होते जाएंगे। विलंब मत करो, शीघ्र जाओ और रोको उस असुर को, हम इन असुर को रोक लेंगे। विघ्नहर्ता हूँ मैं, ये मत भूलो दुष्ट असुरों। आज कोई भी विघ्न मेरे द्वारा उस असुर को रोकने में बाधा नहीं डाल सकता। जय माता आदि शक्ति, जय माता आदि शक्ति, जय माता विंध्यवासिनी, जय माता विंध्यवासिनी। मैं भी देखता हूँ कि मेरी प्रचंड अग्नि को कब तक जकड़ कर रख सकेगा ये। अग्निदेव, आपकी अग्नि और मेरे प्रचंड तेज के मेल को अधिक समय तक नहीं सह सकेगा ये। जय माता आदि शक्ति। जय माता आदि शक्ति। उन्मुख पवन को कौन बांध सका है अपनी मुष्टि और भुजा में मोर्त। ये भ्रम है तुम्हारा देवताओं कि तुम इन चारों को पराजित कर सकोगे। कितना भी फड़फड़ा लो किंतु तुम इन चारों को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकते। शक्ति hmm.
शक्तिशाली प्रहार का भी अचानक फिर प्रभाव नहीं हुआ इस पर। अभेदी हूँ मैं, उस पर किसी प्रहार का कोई प्रभाव नहीं होता, कोई नहीं भेज सकता मुझे। इसलिए अब तुम मेरे पांवों तले मसले जाने के लिए तैयार हो जाओ। कुमार कार्तिकेय, सर्वप्रथम इस दुष्ट ने मुझे चुनौती दी थी, इसलिए मुझे ही इसे आहत करने दीजिए। मेरे अत्यंत शक्तिशाली विद्युत प्रवाह का भी इस दुष्ट अभेदी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो फिर इसका संहार कैसे संभव है? इसी विचार में डूबे हो ना तुम देवराज, कि तुम्हारे वार मुझ पर कोई प्रभाव क्यों नहीं कर सके। अरे ये गैंडे की त्वचा है, इसे भेदना इतना सरल नहीं, किंतु अब मैं तुम्हें अवश्य कष्ट पहुँचाऊंगा। कार्तिकेय, आपकी शक्ति क्षण भर में इसके मस्तिष्क को भेद कर इसका अंत क्यों नहीं कर रही? प्रतीत होता है इसकी त्वचा किसी भी अस्त्र शस्त्र के आघात से सुरक्षित और उसे कोई भेद नहीं सकता, तभी आपके वज्र के प्रहार से भी ये सुरक्षित रहा, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। नहीं कुमार कार्तिकेय, आपकी शक्ति से अवश्य आहत होगा ये। अद्भुत, आपकी शक्ति की ढूंढ क्षमता ने अब उस गेंडे को भी पीछे हटने पर विवश कर दिया। कुमार कार्तिकेय, अंततः एक असुर का अंत हो ही गया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। कोई विलंब नहीं होना चाहिए देवी आदिशक्ति को मेरे समक्ष प्रस्तुत होने में। किसी भी अवस्था में देवी आदिशक्ति का अनुष्ठान संपन्न नहीं होना चाहिए। छल बुद्धि, उस गजमुख बालक को गड़ा सुर तक पहुंचने से रोको, तभी संभव होगा ये। इसे तो मैं रोक के रहूंगा। ये अन्य सैनिकों को क्षति पहुंचाए, इससे पूर्व मुझे इसे यहां से दूर करना चाहिए। अब ये उस गुफा में बंदी हुआ, हमारी एक और चिंता दूर हुई। इस जल का पान करो दुष्ट असुर, जगत के साथ साथ ये तुम्हारे लिए भी अत्यंत उत्तम है, क्योंकि इस जल का पान करने से तुम्हारे भीतर का विषैला द्रव्य समाप्त हो जाएगा, अथवा बाहर आ जाएगा। असंभव। ये कैसे संभव है? ये मेरे अति शक्तिशाली महान योद्धा है, गणासुर के समान, जिनका सामना करना किसी के लिए भी असंभव था। उन्हें कैसे निष्क्रिय कर दिया इन देवताओं ने?
मेरे गणासुर के मार्ग में आने का दुस्साहस करने वाले कौन हो तुम? धर्म पथ पर चलने वालों के लिए विघ्नहर्ता, किंतु तुम जैसे अधर्मी और दुष्टों के लिए विघ्नकर्ता। विघ्नकर्ता, वाह वाह, सुंदर अति सुंदर गणासुर को बहुत प्रिय है विघ्न। अच्छा हुआ कोई तो आया मेरे मार्ग में विघ्न बनकर, अन्यथा कोई चुनौती ही नहीं प्रस्तुत हो रही थी मेरे समक्ष। तो आओ, रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ मुझे देवी आदि शक्ति के निकट पहुंचने से। जिस माँ आदि शक्ति की पूजा में तुम विघ्न बनना चाहते हो, तुम जैसे पापी तो उनके निकट भी नहीं पहुंच सकते दुष्ट। ऐसा तेज दिव्य प्रभा मंडल है उनके चारों ओर, जगत जननी है वो, उनकी भक्ति में पवित्र अतुलनीय शक्ति है। मुझे नहीं रोक सकोगे तुम, सुरक्षित रहना चाहते हो तो हट जाओ मेरे मार्ग से। रोकूंगा ही नहीं दुष्ट, अपितु तुम्हें यहाँ से दूर भी भगा दूंगा, माँ के निकट तुम्हारी छाया भी नहीं पहुँचने दूंगा मैं। बस, अब मुख से नहीं मुष्टि प्रहार से संवाद करेंगे हम। यदि व्यक्ति अपनी संपूर्ण ऊर्जा एक ही वस्तु पर केंद्रित कर दे तो लक्ष्य कितना भी कठोर और असंभव क्यों ना हो, उसे भेदा अवश्य जा सकता है।